हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जनरली प्रेगनेंसी के दौरान डिलीवरी के संकेत सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, कैसे पता लगेगा कि डिलीवरी होने वाली है, बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, अब कुछ ही क्षणों बाद आपकी वो खुशी का एहसास आपको होने वाला है जिसका इंतजार आप पूरे 9 महीने तक करती हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी महिलाओं के लिए जो अभी प्रेग्नेंट हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत ईजी से समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि मेरा बच्चेदानी का मुँह सर्विक्स खुल रहा है या नहीं, और मेरी डिलीवरी का समय क्या नज़दीक आ गया है या नहीं। देखिए, कुछ शरीर संकेत जरूर देते हैं 9वें महीने में बेसिकली, या फिर 34 हफ्तों के बाद ऐसा महसूस कर सकती हैं। 34 से लेकर 40 हफ्तों के बीच में डिलीवरी कभी भी हो सकती है। यदि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो ये होता है फ्रेंड्स कि उस समय कॉन्ट्रैक्शन पेन्स फॉल्स काफी ज्यादा आते हैं, जिसकी डेंसिटी काफी ज्यादा कम होती है स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ती है जब आपका सर्विक्स का मुंह खुलना स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आपको पेन आते हैं, पेट के निचले हिस्सों में पेन आते हैं, तो आप कुछ समय के लिए रेस्ट करिए, मूवमेंट करिए। अगर पेन ठीक हो जाता है तो ये फॉल्स पेन था। अगर यही पेन हर आधे घंटे पे आपको परेशान कर रहा है, फिर 5 मिनट पे, फिर 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, यानी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी कम होती चली जा रही है, तो उस दौरान आप समझ जाइए कि बहुत जल्दी डिलीवरी होने वाली है। क्योंकि जब डिलीवरी होने वाली रहती है, आपके कॉन्ट्रैक्शन पेन्स बार बार हर 10 मिनट पे, हर 5 मिनट पे आपको होने चालू हो जाते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण होता है म्यूकस प्लग का निकलना। जब आपके शरीर में बच्चे का जो हेड होता है वो नीचे की तरफ पेल्विक मसल्स की तरफ आता है, तो पेल्विक मसल्स की तरफ आने की वजह से जो वजाइना के ऊपरी लेयर पे, यानी बच्चेदानी के मुंह के ऊपरी भाग पे जो प्रोटेक्शन लेयर होता है म्यूकस प्लग का, वो टूट जाता है और वो निकलने लगता है। ये पिंक कलर का होता है, थोड़ा थिक होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं होता है, और फ्रेंड्स ये भारी मात्रा में या कम मात्रा में निकल सकता है। बेसिकली ये हार्मोन्स पे भी डिपेंड करते हैं। अब फ्रेंड्स हम जान लेते हैं कि नंबर 3rd कौन सा सिम्टम्स होता है। फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत हाई होती है। डिलीवरी के टाइम पे बार बार आपको कॉन्स्टिपेशन होता है, हो सकता है कि आपको वॉशरूम जाने की काफ़ी ज़्यादा क्रेविंग हो सकती है, बहुत बार लग सकता है, हर 15 मिनट आधे घंटे पे वॉशरूम जाना है, आपको ऐसा फील हो सकता है, और दर्द के साथ ऐसा होता है। सो फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी में डिलीवरी का सिम्टम्स होता है जो कि आपको 34 हफ्तों के बाद कभी भी फील हो सकता है। अब फ्रेंड्स, कई महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि उनको पेन तो नहीं आते हैं, लेकिन उनके पानी की थैली जो होती है जिसमें बच्चा होता है, वो लीकेज होता है या फट जाता है डायरेक्टली, तो उस दौरान कंटिन्यूअसली आपको वाटर ब्रेकिंग होती ही चली जाती है। ऐसे सिचुएशन में जब आपके कपड़े भी खराब हो रहे हैं, आपको तुरंत डॉक्टर से मिल लेना चाहिए, बिकॉज उस समय डिलीवरी कभी भी जल्दी से जल्दी हो सकती है। हो सकता है उसके बाद आपका पेन स्टार्ट हो सकता है कि आर्टिफिशियल पेन के लिए आपको इंड्यूस किया जाए। तो ये सारी प्रक्रिया जो होती है वो डिलीवरी के लक्षणों में से ही बहुत मेन है। अगर ये सारी चीज़ें फील करती हैं और समय पे सोनोग्राफी हो रही है, तो आपका पोजीशन भी पता लग जाएगा कि कितने घंटों में, कितने दिनों में डिलीवरी हो सकती है, सर्विक्स का मुंह कितना ओपन हुआ है, ये डॉक्टर चेक करके आपको टाइम टू टाइम बताते भी रहेंगे। हो सकता है 9वें महीने में आपको डॉक्टर विजिटिंग ज़्यादा करना पड़ सके। तो आई रियली होप कि आपके सेफ जर्नी हो, प्रेगनेंसी की डिलीवरी भी सेफ और नॉर्मल हो जाए। और फ्रेंड्स, अगर फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन, फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके भेज सकती हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।